हाय एवरीवन, मैं हूं नंदिता और आप सभी का स्वागत है नंदिताज किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्रिसमस और न्यू ईयर स्पेशल हेल्दी गिल्ट फ्री बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी को। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया मैं, जिसमें मैंने पके हुए केले का इस्तेमाल किए हैं, बटर की जगह मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किए हैं, मैदे की जगह मैंने इस केक में जो है गेहूँ का आटा का इस्तेमाल किए है, रिफाइन शुगर की जगह में मैंने यहाँ पे जो है जैगरी पाउडर का इस्तेमाल किया। और इस चॉकलेट केक को डिलीशियस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉप्ड आमंड और वालनट ले लिया। और इस केक को मैं जो है कढ़ाई में बेक करूंगी। एकदम परफेक्ट आपका स्पंजी और सॉफ्ट चॉकलेट केक बनके तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए, आप इस गिल्ट फ्री बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इस वीडियो में मैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं हेल्दी गिल्ट फ्री बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी को। बनाना चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो पके हुए केले ले लिया। आप इस रेसिपी में एकदम पके हुए केले का ही इस्तेमाल करें, इससे इस केक का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। केले को हम छिलका निकाल के इस तरीके से तोड़ देंगे और एक बोल में रख देंगे। तो दोनों केले को हमें इस तरीके से तोड़ के बोल में जो है रख देना है। हमें यहाँ पे केले को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक फोक की सहायता से केले को जो है अच्छी तरीके से मैश कर दूंगी। आप चाहे तो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस केले को जो है एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप जो है यहाँ पे केले का पेस्ट भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने केले को अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक चौथाई कप इसमें घी डाल देना है। मैं यहाँ पे घी को पिघला के फिर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी की जगह तेल या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी जो है ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, इसीलिए मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को मैश किए हुए केले के साथ हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसमें डाल देना है एक कप दूध। हाफ कप मेजरमेंट है, इसलिए मैं दो बार यूज़ की हूँ। ल्यूकवार्म मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक व्हिस्कर की सहायता से हम दूध को इन सारे चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसमें डाल देना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे आटा डाल देंगे। तो आटा का क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1.25 कप रखा। 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे कोकोआ पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। और लास्ट में इसमें डाल देंगे 1/4 कप गुड़। मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल गुड़ को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इन सारे चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले छान ले, फिर यहाँ पे इस्तेमाल करें। पहले बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और देख लेंगे कि हमें दूध की ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पे जो है मिक्सर हमारा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हल्का सा दूध इसमें और ऐड कर दूँगी। 2 टेबलस्पून दूध ही यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऐड की हूँ। दूध को यहाँ पे इस मिक्सर में अच्छी तरीके से मिला दे। तो यहाँ पे जो है दूध मिलाने के बाद हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बन गया है केक का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसी तरीके का ही बैटर बना लेना है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा ड्राई नट्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे आमंड और वालनट को बारीकी से कट करके हम यहाँ पे बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बनाना चॉकलेट केक का बैटर यहाँ पे बन गया है। अब हम यहाँ पे एक केक टिन को लेंगे और इसको जो है घी से इसी तरीके से ग्रीस कर देंगे। किनारे को भी आपको इसी तरीके से ग्रीस कर लेना है, ताकि हमारा केक जो है पकने के बाद आसानी से बाहर निकल आए। ये मैं एकदम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप जो है यहाँ पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हमें यहाँ पे केक के जो बैटर है इसको हम डाल देंगे इस केक टिन में। तो यहाँ पे मैंने सारे बैटर को केक टिन में डाल दिए हैं। केक टिन को जो है इस तरीके से टैप कर दे, ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना रह जाए। क्रिसमस केक को तो डेकोरेशन करना बनता ही है ना। केक को गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा चॉप्ड आमंड और चॉप्ड वालनट डाल दे रही हूँ। इससे इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब हम चलते हैं बेकिंग के प्रोसेस में। उसके लिए कढ़ाई को मैंने सबसे पहले प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। अब हम कढ़ाई में एक स्टैंड प्लेस कर देंगे और उसके ऊपर हमें केक टिन को रख देना है। कढ़ाई को हमें ढक देना है और मीडियम फ्लेम में हमें केक को जो है 40 से 45 मिनट तक कुक कर लेना है। टोटल 30 मिनट बाद हम यहाँ पे कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे केक हमारा अच्छी तरीके से बेक हुआ कि नहीं। उसके लिए केक के अंदर हमें एक टूथपिक को इंसर्ट करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथपिक जो है एकदम क्लीन नहीं आ रही है। केक को हमें और पकाने की ज़रूरत है, तो 10 मिनट के लिए हमें केक को जो है लो फ्लेम में और पकाना है। टोटल 40 मिनट बाद हम कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे, चेक कर लेंगे कि केक हमारा अच्छी तरीके से बेक हुआ कि नहीं। तो किनारे में जो है ये टूथपिक हमारा क्लीन आ रहा है, एक बार बीच में भी चेक कर लेते हैं। टूथपिक यहाँ पे क्लीन है, मतलब हमारा बनाना चॉकलेट केक एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। तो इसी स्टेज में हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केक के ऊपर में जो है क्रैक्स आए इस तरीके से, मतलब हमारा केक जो है एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। अब हम सावधानी से केक टिन को निकाल देंगे और इसको जो है ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही केक टिन अच्छे से ठंडा हो जाएगा, हमें इस तरीके से किनारे को स्क्रैच कर देना है ताकि केक जो है केक टिन से आसानी से बाहर निकल आए। केक को निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिए है और केक टिन को जो है इस तरीके से पलट देंगे और हल्का सा इसमें टैप कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं केक हमारा एकदम परफेक्टली बेक होकर निकल गया है। एकदम सॉफ्ट स्पंजी बनाना चॉकलेट केक यहाँ पे हमारा बन गया है। आप इसका लुक देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि आपने इसको जो है कढ़ाई में बेक किए हैं, कितना यम्मी लग रहा है। और ये ना बिल्कुल हेल्दी है क्योंकि हमने यहाँ पे सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किए हैं, घी का इस्तेमाल किए हैं, आटे का इस्तेमाल किए हैं, जैगरी पाउडर का इस्तेमाल किए हैं, सब हेल्दी होता है। आप जो है इस क्रिसमस में गिल्ट फ्री हेल्दी बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। मैं यहाँ पर आपको केक को कट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये केक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसानी से कट जा रहा है। और ये चॉकलेट केक ना बच्चों से लेके बड़े सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस केक को टी टाइम स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।